गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 11 प्रो डिवाइस के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। गाइज अब आप लोग बोलोगे तो ये रियलमी 11 प्रो नहीं है, गाइज डेफिनेटली नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी यू आई 4 आता है, रियलमी वाला लेटेस्ट यू आई, ठीक है। तो गाइज मैं आपको इसकी सेटिंग्स बताने वाला हूं, फीचर्स, ना कि इसका मैं कैमरा रिव्यू नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ना मैं गेमिंग रिव्यू कर रहा हूं। तो गाइज इसका हार्डवेयर सेम नहीं होता गाइज, लेकिन सॉफ्टवेयर सेम है, ठीक है। तो चलिए गाइज हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताता हूं इस फोन के अंदर जो भी इसकी सेटिंग्स हैं, फीचर्स हैं, वो कैसे काम करेंगे। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देखोगे तो गाइज मेरे फोन के अंदर एक आपको बॉल देखने को मिल रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसी टिप बॉल। तो गाइस इसको हम कैसे इनेबल करेंगे, तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहां पे सेटिंग में आ चुका हूं। सेटिंग में आने के बाद गाइस आपको यहां पे एक एडिशनल सेटिंग से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एसी टिप बॉल का, आपको इस पर टैप करना है। एसी टिप बॉल को आप यहां से इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन अब इसका काम क्या रहता है इनेबल करने के बाद। गाइस अगर मैं आपको सिंगल टैप करूंगा तो ये बैक हो जाएगा, डबल टैप करूंगा रिसेंट टास्क हो जाएगा, और यहां पे टच एंड होल्ड रखूंगा तो होम स्क्रीन में चले जाएंगे। चलिए मैं टैप करता हूं, तो गाइस यहां से बैक कर दिया इसने, डबल टैप करूंगा तो रिसेंट टास्क में भेज देता है। गाइस इस तरीके से अगर आप जो इसका जेस्चर ऑपरेशन है इसको अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो इस पर हम क्लिक करके, ऐसे अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ टेक ए स्क्रीनशॉट, तो गाइस मैं इसको टैप करूंगा तो गाइस यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट टेक कर लेता है ये, ओके, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टॉप मेन्यू का, अगर हम टॉप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा मेन्यू बार खुल के आएगा इसका। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो आप बैक क्लिक कर लें, रिसेंट यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट टेक कर लें, रिसेंट टास्क में चले जाएँ, लॉक कर लें, होम स्क्रीन में चले जाएँ, तो आपको ये 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आप डिपेंड करता है कि आप जेस्चर ऑपरेशन रखोगे या फिर टॉप मेन्यू अपने हिसाब से रखोगे, आप इसको या फिर ऑफ करके रखना चाहोगे, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जेस्चर्स एंड मोशंस का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हम इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर्स और मोशंस देखने को मिलेंगे और बहुत काम की सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस पहले आपको ये वाली सेटिंग्स आपको ऐसे ऑफ देखने को मिलेगी, आपको पहले ये इनेबल कर लेनी है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे फोन के अंदर दिख रहा है यहाँ पे डबल टैप टू वेक ऑफ टर्न ऑफ स्क्रीन। अगर आप इस सेटिंग से इनेबल कर लोगे तो डबल टैप करोगे अपनी स्क्रीन पर तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी स्क्रीन ऑफ है तब की सेटिंग बता रहा हूँ इसमें आपको। ये ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, अगर आप अगर ओ ड्रॉ करोगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, तो आपको उस पर ड्रॉ करना है ओ, ठीक है, जैसे कि मतलब स्क्रीन ऑफ है और आपको ओ बना देना है, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ड्रॉ बी करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि गाइस यहाँ पे स्लाइड अप करोगे तो आप कुछ भी खोल सकते हो, स्लाइड डाउन करोगे तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो आप ओपन कर सकते हो, स्लाइड लेफ्ट तो वेदर ऐप खुलेगा, ठीक है, स्लाइड राइट कैलेंडर खुल जाएगा, ड्रॉ एम टू आपका असिस्टेंट खुल जाएगा, तो ये अपने हिसाब से आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो, ओके। तो आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है स्वाइप डाउन विद 3 finger टू टेक स्क्रीनशॉट, तो यहाँ से अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लोगे तो आपको स्वाइप डाउन करना है 3 finger से और आप अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टच एंड होल्ड, ठीक है, टच एंड होल्ड विद 3 fingers टू टेक स्क्रीनशॉट, तो आपको ऐसे टच एंड होल्ड रखना है, ठीक है, और आप अपने ऐसे स्क्रीनशॉट को ऐसे आप एरिया को सिलेक्ट करके इस टाइप से, ठीक है, और आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हो, ओके। अगर आपको एडिट करना रहता है तो आप वहाँ से एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन फ्लैश लाइट, टर्न ऑन और ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम बटन्स, तो अपने वॉल्यूम बटन्स के साथ अपनी टॉर्च को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी स्क्रीन ऑफ हो तब आपका काम करेगा, अभी काम नहीं करेगा, अभी तो आपका गाइस सिंपल तरीके से यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी तब। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मोशंस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे राइज टू वेक, तो आप यहाँ सेटिंग आपको इनेबल कर लोगे, ठीक है, तो आपकी सेटिंग यहाँ से राइज टू वेक, मतलब कि गाइस इसको इनेबल करने के बाद जैसे ही आपका फोन टेबल पर रखा है, ऐसे मान लो गाइस यहाँ पे आपका फोन ऐसे रखा हुआ है, आपको बस फोन अपना हाथ में लेना है और आपके फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं राइज टू वेक। इसके बाद यहाँ पे एक आपको मोशंस मिलता है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, ऐसे अगर आप उसको इनेबल रखोगे आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो आपको सिंपल तरीके से बस फोन उठा के अपनी कानों पे कान के पास ले जाना है, ठीक है, जैसे ही अपने कान के पास अपना फोन ले जाएंगे आपका फोन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पाए होगे गाइस। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो स्विच टू रिसीवर, अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से इनेबल कर लोगे तो आपके पास गाइस अब कोई भी जैसे कि कॉल चल रही हो, आप उस बंदे से बात कर रहे हो फोन स्पीकर पे करके, ठीक है, क्लियर है। और फिर गाइस जैसे ही आप उस बंदे का फोन कान पे ले जाओगे ना उठा के अपने स्पीकर को, तो आपको स्पीकर ऑफ करनी जितनी पड़ेगी, आपका स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो इनकमिंग कॉल है ना वो गाइस म्यूट हो जाएंगी, ठीक है, आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आई तो सिंपल तरीके से बस गाइस वो आपको फोन अपना उल्टा कर देना, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी, ओके। तो गाइस आई होप कि आपको ये जेस्चर समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे वन हैंड मोड का, हम डेफिनेटली इस पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से हम इनेबल कर लेते हैं। जैसे अगर आप इसको इनेबल करोगे तो आपको फोन अपना वन हैंड मोड के अंदर ले जाना है, मतलब आप एक हाथ से चला रहे हैं अपना फोन, आपका फोन बड़ा हो जाता है, तो आपको बस ऐसे करना है, आपका फोन ऊपर का एरिया आपका ब्लैंक हो जाएगा और नीचे आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिंगल हैंडली ऐसे करके,
ठीक है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर पाएंगे। और बाकी अगर आप इसको वापस से यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो गाइज वो सारी सेटिंग्स आपकी कवर हो जाती हैं। इसके बाद आपको सेटिंग्स में वापस से आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल फीचर्स का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस पहला ऑप्शन मिलेगा आपको स्प्लिट स्क्रीन का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से इनेबल कर लोगे ना। इसको इनेबल करने के बाद गाइस आपको स्लाइड अप करना है थ्री फिंगर से। मैं आपको करके दिखाता हूँ और आपकी स्क्रीन टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि गाइस मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे अभी मैं एक यहाँ पे जियो पेज खोल लेता हूँ और इसको मैं स्वाइप अप करूँगा थ्री फिंगर से और उसके बाद यहाँ से मैं ओपरा मनी खोल लेता हूँ। तो गाइस सेम टाइम पे मैं दो एप्लीकेशन चला सकता हूँ, ऊपर मेरा जियो पे चल रहा है और नीचे मेरा ओपरा मनी चल रहा है। तो सेम टाइम पे आप इस तरीके से दो एप्लीकेशन रन कर सकते हो इजीली। इसको बोलते हैं स्प्लिट स्क्रीन। ओके गाइस, चलिए हम चलते हैं अपनी और सेटिंग्स की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लेक्सिबल विंडोज़ का, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे काम करता है। आपके लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी क्विकली। जैसे कि गाइस यहाँ पे हमारा रीसेंट टास्क में हम जाते हैं और हमको सिंपल तरीके से एक एप्लीकेशन खोलना है जो कि हम चाहते हैं। जैसे माई फाइल्स पर हम क्लिक करेंगे और फ्लोटिंग विंडो में इसको खोलना चाहते हैं, तो यहाँ से गाइस हमारा फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा। आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, उसका साइज थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई और दूसरा काम कर सकते हो और बाकी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली आप काफ़ी ईजी तरीके से ये चीज़ कर पाते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीके से आप ऐसे एक्सेस कर पाओगे। बाकी मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे भी, तो इस तरीके से आप फ्लेक्सिबल विंडो जो रहता है उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे क्विक लॉन्च का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्विक लॉन्च आपके फिंगरप्रिंट के साथ अटैच होता है, तो पहले आपको अपने फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप करना पड़ेगा। तो गाइस क्विक लॉन्च को आप पहले यहाँ से इनेबल करोगे। इनेबल करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको करंट मेन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि मैंने एडिट पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे गाइस आप जो भी रखना चाहते हैं ना, जो एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप क्विक लॉन्च पे, जैसे कि गाइस मैं रखना चाहता हूँ कि मैं अपने फिंगरप्रिंट को प्रेस एंड होल्ड रखूँ, उसके साथ बाद मेरे को ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि यूनो बैंक और यहाँ से यूट्यूब। तो गाइस इनको मैं अपना फिंगरप्रिंट जिसकी तरफ कर दूंगा ना, वो गाइस मेरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। आप चाहें तो गाइस यहाँ पे इनमें शॉर्टकट्स में आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपको रखना हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप कोई भी ऐप्स रख सकते हैं किसी को हटा के। यहाँ इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं रख लेता हूँ स्नैपचैट, तो मेरा यहाँ पे स्नैपचैट हो जाए। स्नैपचैट मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा तब ऐड होगा। बट यहाँ पे गाइस आप जो इंस्टॉलेड हैं, जैसे कि मैं क्रोम रख लेता हूँ, तो गाइस मेरा यहाँ पे क्रोम ऐड हो जाएगा। इसको मैं डन कर लेता हूँ, मैं फॉर्म करता हूँ लॉक। अब गाइस मैं आपके सामने देखो फिंगरप्रिंट लगाए रखूँगा, मेरा फोन अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको देखो ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं यूट्यूब की तरफ कर दूंगा तो गाइस मेरा यूट्यूब खुल जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैं यूट्यूब की तरफ कर देता हूँ और वापस से मैं अपना यूट्यूब का लॉक खोलूंगा। तो गाइस इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वाली सेटिंग समझ में आई होगी और अच्छी तो डेफिनेटली लगेगी गाइस, क्योंकि सेटिंग इतनी प्यारी है। तो क्विक लॉन्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्मार्ट साइड बार नाम से, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो आप एक आपको लेफ्ट हैंड की तरफ, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड की तरफ एक स्मार्ट सेटिंग देखने को मिलेगी, स्मार्ट साइड बार इसको बोला जाता है। तो ये हमने कैसे इनेबल किया और आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट साइड बार पहले आप यहाँ से इनेबल करोगे। इनेबल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका स्मार्ट साइड बार का आपको एक लेआउट देखने को मिल जाएगा। आप ऐसे करोगे तो आपका शो हो जाएगा। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे गाइस मैं आपको कोई एप्लीकेशन ऐड करना चाहूँ तो वो मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा और मैं यहाँ पे डन करूँगा और वापस से मैं इसको ओपन करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन मैं यूज़ करना चाहूँगा तो माई फाइल्स पे क्लिक करूँगा तो गाइस मेरा यहाँ पे वो खुल जाएगा। ओके, तो ओवरऑल आप इस तरीके से कर सकते हो। आई होप कि आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी हमारी डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। अगर हमारा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दूँ। गाइस ये टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स थी इस फोन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।